कोरोना का क्या चल रहा है वहां पे? भाई यार यहाँ पे ना मेरे सिटी में केसेस ही नहीं है, सिर्फ 200-250 केसेस है टोटल केसेस। अरे बाप रे, दिल्ली का बता रहा हूँ, दिल्ली का। तुम दिल्ली में हो क्या? नहीं, मैंने न्यूज़ सुनी थी, और लाइव न्यूज़ अच्छा शमशान घाट से न्यूज़ थी। 200 से 250 से अच्छा भी 250 से भी ज़्यादा लाशें रोज जलाई जा रही हैं, और अच्छा वहाँ पे ढाई सौ केसेस हैं। अरे अरे भाई ये यार इंडिया की हालत बेकार हो गई बहुत यार। बेकार हो गई रे, बहुत बेकार हो गई भाई। भाई निकलो मत यार किधर। नहीं, 20 साल का इतिहास देख लिया जाए तो यार 5-7 से ज़्यादा डेड बॉडी कभी नहीं आई। अब जो इतना बड़ा एक रेशो गया है और खाली है नहीं गया, पूरी दिल्ली में शमशान घाट में लोड हो गया है, शमशान घाट बंद हो गया है, शमशान घाट में जगह नहीं है पैर रखने की। तो इसका एक कारण है कि सबको कोरोना हुआ है। पहली बार जो हुआ था तो बुजुर्ग ज़्यादा थे, इस बार यंग ज़्यादा है। अरे मैं बोल रहा था कि हम लोग लैपटॉप और आईपैड से कनेक्ट नहीं हो सकते क्या? फोन से वो व्हाट्सएप से होना पड़ेगा, फेस टाइम बोल रहा था मैं। अच्छा, अरे वो मैंने नंबर आपको अपडेट नहीं किया ना अभी तक, तो इसीलिए। अरे भाई मेरे को तुम रूम दिखा था, मैंने रूम नया शिफ्ट कर लिया ना, मैंने शिफ्टिंग करा लिया। अच्छा, शिफ्टिंग हो गया अभी नए घर में? अरे कल ही किया मैंने शिफ्टिंग, फ्रैंकफर्ट में ना। हाँ फ्रैंकफर्ट में, तो ये तो मैं अभी 10-15 दिन टेम्पररी रहा था ना एक बंदे के घर पे, तो हाँ हाँ आ गया। देखो हाँ मतलब छोटी छोटी चीज दी इसने, देखो इस्त्री, हेयर ड्रायर, वो अपना वॉशरूम में बहुत सेक्सी है, वो अपना होटल का रूम नहीं, क्या होटल का बाथरूम नहीं होता है, अरे वाह वैसा बाथरूम वाथरूम दिया है उसने। गीजर कौन सा है इधर, वो इलेक्ट्रिक है क्या? नहीं भाई इधर ऐसा सिस्टम है ना कि होटल के रूम में कैसा डायरेक्ट गर्म पानी आता है, हाँ, तो वैसा डायरेक्ट यहाँ पे ना सारे नल को वैसा ही। अभी वहाँ जर्मनी का टेम्परेचर क्या हो रहा है अभी? 8 डिग्री भाई यहाँ पे। 8 डिग्री अभी इस समय? हाँ 8 डिग्री। अरे बाप रे, एक नंबर। ये गैस ओवन, वॉशिंग मशीन, फिश फिश फ्राई के लिए शायद वो। हाँ फिश फ्राई। इधर ना तुम बारिश होने दो या स्नोफॉल होने दो कभी भी बैठ सकते हो, क्योंकि ये पूरा पैकिंग। तो स्नोफॉल जब बेकार होता होगा तो ये पूरा आइस जम जाता होगा ऊपर? आइस तो जमता होगा लेकिन तुम फिर भी बैठ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अंदर आने के लिए कोई चांस ही नहीं ना, पूरा कांच का ही। अरे हाँ यार, जब स्नो गिरेगा इस पे सर्वेश क्या बेकार लगेगा। इस पे ऊपर पूरा स्नो रहेगा और अपन वही ना। लेफ्ट में खाली पड़ा, राइट में खाली पड़ा, लेकिन अपनी लेन नहीं छोड़ रहे वो लोग। अरे देखो यार, अरे एक नंबर। हाँ साइकिल का दिख रहा है तो? हाँ, वो सिर्फ साइकिल के लिए, वहाँ पे साइकिल के अलावा कोई जा नहीं सकता है। अरे साइकिल जाने के लिए, ये आने के लिए, और कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा? क्या? कोई पुलिस वाला भी नहीं है? नहीं क्या, अपन लोग इधर ये ले रहे राइट से। अरे नहीं नहीं भाई दोबारा तो उधर देख, 4 गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं। और अरे ये देखो अभी पोर्च भी आ रही है यहां पे। हां पोर्च भी आई, देख अभी किसी की हिम्मत नहीं भाई, राइट हो जाए लेफ्ट हो जाए, जिधर जो लिखा है वही करना है। एक टाइम तो अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर परेशान हो जाते थे अपना वर्कआउट देखकर, और आज एक टाइम है चिल्लार पुकार चालू है। समय बहुत बड़ी चीज है भाई। हाँ स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। मैंने सोचा था कि जून जुलाई में हम लोग जाएंगे लद्दाख, ठीक है, उसके बाद वापिस आ जाएंगे घर को। लेकिन लद्दाख में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है उसके लिए मैंने मंगाया था एक हवा भरने वाला प्रेशर। अब ये मैंने थोड़ा सा गलत इसलिए मंगा लिया, शायद ये इलेक्ट्रॉनिक है, अभी मुझे खुद को नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, देश का माहौल ऐसा चल रहा है कि हम लोग कन्फर्म नहीं बोल सकते कि इस साल लद्दाख होने वाला है। अभी उम्मीद पे बैठा हूँ कि जुलाई तक अगर सब नॉर्मल हो जाएगा तो जुलाई में हम लोग लद्दाख निकल जाएंगे, नहीं तो लद्दाख अगर कोरोना की वजह से इस साल कैंसिल होता है तो अपनी बुलेट को लेके कम से कम अपन यहाँ तो आ जाएंगे, रैप वैप निकाल देंगे, वो सब कर लेंगे। चलो वो छोड़ते हैं, इसका बॉक्स अनबॉक्स करते हैं। एयर कंप्रेसर, फास्ट एयर, ओ हो। अच्छा, बास्केटबॉल, गाड़ी के टायर, साइकिल, बाइक में हवा, और बाकी बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसके अंदर भी हवा भरी जा सकती है इससे। 1000 रुपये गए बस।
इस पे जो MRP प्रिंटिंग है वो 1000 रुपए है। अरे इससे हवा भरेगी भी कि नहीं पता नहीं, एक बार चेक करके देखना पड़ेगा यार। इलेक्ट्रिक है क्या? अरे भाई ये तो वो वाला है, बाइक में है क्या अपने? नहीं नहीं नहीं, निंजा में मैं लगवा सकता था ये। अरे वो सिगरेट लाइट करने वाला जो होल्डर होता है हमारा गाड़ियों के अंदर, ये वो है भाई। तो ये तो अपनी कार वाला काम हो गया। इसके अंदर प्रेशर भी दिखाया गया है 40 प्लस। अब ये कितना काम करता है ये तो अपने को गाड़ी में लगाने के बाद ही पता चलेगा। चलो ठीक है यार, 1000 रुपये में और क्या चाहिए। हो गया अनबॉक्सिंग, बताओ अब क्या करना है। दोस्त का फ़ोन आया था जर्मनी से, वो अभी फ्रैंकफर्ट में, और फ्रैंकफर्ट में जो उसने अपना घर दिखाया मुझे और जहाँ सड़कों का हाल दिखाया, लोगों का हाल दिखाया, भाई मैं तो दंग रह गया भाई। आप लोगों को देखना एक बार वो कॉन्वर्सेशन जो मैंने मेरे दोस्त के साथ की, इंडिया से जर्मनी के बीच में, इंडिया नासिक से फ्रैंकफर्ट जर्मनी तक का जो वो कॉन्वर्सेशन जो हुआ था ना भाई, एक नंबर। और सड़कें अलग है, लोगों की थिंकिंग अलग है, मेंटेलिटी अलग है, मतलब आदमी इंडिया से भी जाएगा तो उधर जाके बदल जाएगा, उसकी सोच ही बदल जाएगी। फ़ोन आ रही हो है। बेंगलोर में निंजा में जब मैंने वो लगवाया था USB होल्डर दो माउंट जो फ़ोन चार्जिंग के लिए, उसके अंदर कैमरा भी चार्ज हो जाता था, लेकिन उन लोगों ने मेरे को एक ऑप्शन और दिया था कि आपको अगर ये लगवाना है तो इसका भी माउंट हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ये लगा के इसके अंदर दो होल्डर रहेंगे, जैसे कार में भी आता है, लेकिन वो रनिंग बाइक में गड्ढों वगैरह में, ऊबड़ खाबड़ एरिया में अगर बाइक चले तो वो गिरने का डर था, तो मैंने USB वाला लगवा लिया। अगर ये लगवाता तो निंजा में भाई ये बहुत कमाल की चीज़ है, हवा भरने के लिए काम आ जाती। देखो ना एकदम प्रॉपर है, लेकिन इसको हम लोग ट्राई करेंगे, एक ट्रायल ज़रूर लेंगे आज नहीं तो कल, देखते अभी नीचे जाना कैसे पॉसिबल होता है गाड़ी तक। फिलहाल तो दोपहर हो रही है। किस में? सब में कर सकते हैं, बॉल में, सब में, आर्टिकल्स में, टेडी बियर में। अरे मेरी माँ, लेकिन एक बात सुन, ये पकड़िए, देख ये देख, ये जो चीज़ है ना ये लगती है गाड़ी में जहाँ पे सिगरेट लाइट करने वाला लगता है। अच्छा। ठीक है, सुन रही है तू, समझ रही है, वहाँ पे बहुत धुंधला आ रहा है। इधर आ जा, इधर आ जा, इस तरफ आ जाओ, भागो मत, इधर भागो भागो, सुन तो ले, ये देख, ये सुन सुन सुन, उधर से सुन ले, उधर से नहीं आ रही तू, हाँ कोई बात नहीं, मम्मी देख ये दिख रहा है तुझे, ये देख दिख रहा है ना, ये लगता है जहाँ पे कार में माउंट करते हैं। अब इसको तू घर में कहाँ लगाएगी, ये बिजली वाला नहीं है ये। लेकिन वो बोल रहे थे टीवी पे तो बोल रहे थे उन्होंने, वो तो टीवी पे तो बोलते हैं वो लोग, जैसे मैं कैम, अरे वो भर सकते हैं, लेकिन इसको 12 वोल्ट का वो लगेगा एक होल्डर जो कार के अंदर है, घर में कहीं नहीं है। कोरोना से ध्यान अपने आप को बचा के रखें। हाँ, मेरी माँ ने सिर्फ 4 शब्द बोले आज, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो ज़्यादा बोलना शुरू कर देगी। फिलहाल जो 4 शब्द बोले मम्मी ने, ये बोले मौसी को कि अपना ध्यान रखना, कोरोना से खुश रहना, आबाद रहना, खुशहाल रहना, और जिंदगी चलती रहेगी, बस यही गणेश 4 शब्द बोले। अब इससे अभी 4 बोले, फिर 5 बोलेगी मेरी माँ, फिर 10 बोलेगी, फिर 15 बोलेगी, धीरे धीरे रूटीन में ला रहा हूँ मैं घर वालों को कैसे तैसे। ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि ये चलता है नहीं कि चलता है, क्योंकि मेरी जो साइकिल मैंने खरीदी थी उसमें हवा कम है, सोच रहा हूँ कल सुबह से साइकिल चलाने के लिए जाऊँ मैं। भाई साहब जबरदस्त वाइब्रेट कर रहा है, आवाज सुनी आप लोगों ने, मेरे को तो लग रहा है गाड़ी के अंदर भी हवा बढ़ते गई। एयर प्रेशर दिखा रहा है 80, और आपने देखा ये टायर पूरा बैठा हुआ था, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको लगाना है और यहाँ से प्रेस कर देना है, तो जैसे ही इसको प्रेस किया और छोड़ देना है भाई। गाड़ी की चाबी घुमानी है, राइड में ऐसे काम आ सकता है पंचर गाड़ी, तो एक काम करना है बस सीधा सा, गाड़ी वाले बहुत हाईवे पे मिलते हैं भाई, 2 मिनट प्लीज अपना सिगरेट लाइट करने वाला जो होल्ड रहता है, 5 मिनट किसी गाड़ी वाले को रुका के बोलो भाई प्लीज 5 मिनट के लिए, पूरे टायर में हवा भर जाएगी, चाहे बुलेट हो या कोई सा भी टायर हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग बस इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते जल्दी ऐसे ही किसी प्यारे से व्लॉग में। इंडिया में हो रहा है मौत का तांडव और जर्मनी में हो रहा है रूल्स और नियम्स का पालन। इसके लिए मुझे वो जो मैंने कल की वीडियो में जैसे मैंने बात की थी मेरे दोस्त से, तो दोनों बातों को और उस वीडियो को जो मैंने व्हाट्सएप कॉल किया था, फेस टाइम कॉल करना चाह रहा था पर वो हो नहीं पाएगा, भाई ने अभी तक वहाँ पे सिम नहीं लिया, तो व्हाट्सएप पे कॉल करके जो भी मैंने किया वो रिकॉर्डिंग की, उसको मेरे को दोनों को मैच करना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, और हमेशा की तरह राधे राधे, सलाम, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।
फॉरवर्ड, ये बात लगे थोड़ी ऑकवर्ड, मैं भी था थोड़ा डरा हुआ, पर किए नहीं स्टेप मैंने बैकवर्ड, था साथ मेरे तब कोई नहीं, कितने दिन आगे मेरी सोई नहीं, मुझे खुद का भी था होश नहीं, मेरे कदमों में था जोश कहीं, कुछ पता नहीं कहां जा रहा, मैं डाउट को अपने खा रहा, जब चली बुलेट उन राहों पे मुझे बहुत मजा था आ रहा, सब बोल रहे तू पागल है, पर पापा बोले तू काबिल है, यू कैन डू मिस्टर अंकुश, तुझे कुछ तो करना हासिल है, बड़ा मुश्किल सा था ख्वाब मेरा, और खून बनाते साफ मेरा, पूरी दुनिया का एक राउंड ट्रिप हुआ एक्सीडेंट इत्तेफाक मेरा, अब करूं क्या कुछ समझ ना आए, मेरे हाथ पैर भी बौखलाए, उन पथरीली सी राहों पे भगवान ने भी कहीं जख्म बिछाए, कैच मी इफ यू कैन ब्रो।